ये तो हम लोग को पता ही था, जब इंडिया गठबंधन हुआ था, इंडिया अलायंस हुआ था, तब पता था ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। स्वार्थ को अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो चले जाएंगे। और कांग्रेस का भी इतना हिम्मत नहीं है कि ममता बनर्जी को कुछ बोले। कांग्रेस अभी देश से खत्म हो रहा है, जितना भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है उतना एक एक राज्य हमारे बीजेपी के लिए आ रहा है। सेकेंड बार भारत जोड़ो यात्रा किया, इस टाइम में वो एकदम देखिए ना, कुछ भी नहीं आएगा उसका, कोई सांसद वापस नहीं आएगा पार्लियामेंट में। और तृणमूल को देखा कि अपना स्वार्थ के लिए, सीबीआई ईडी से बचने के लिए उसका हाथ पकड़ता, अभी देख रहा है कि खुद का कांग्रेस के ऊपर कुछ नहीं है तो उसके साथ जाके क्या करे। क्योंकि अब उन्होंने देखा है कि झारखंड में सोरेन जी अभी गिरफ्तार हुआ है, इतना सारा करप्शन चार्ज हुआ है। आप देखें कि नीतीश कुमार अभी ये कांग्रेस भ्रष्टाचार को छोड़ के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में काम कर रहा है, तो इंडिया में कुछ है नहीं। तो ये तो स्वार्थ का था एक्चुअली, ये तो जनता को डेवलपमेंट का, विकास के लिए कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तो अकेला चल रहा है, वो तो जनता को विकास के लिए चल रहा है, जो उनका हाथ में आएंगे तो स्वागतम है, लेकिन ये नहीं चाहते। ये लोग बचने के लिए, परिवार तंत्र के लिए आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए कर रहा है, तो ऐसे होगा ही होगा। लेकिन खुल के टीएमसी एक तरफ एकजुट, इतना यात्रा में भी परमिशन नहीं दिया, इतना मिठाई खिलाना, बॉम्बे में जाके खिलाना पिलाना, ऐसा दोनों हाथ उठा के फोटो उठाना, ये क्या जरूरत था, ये क्या नौटंकी था। नौटंकी तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल का एकदम मतलब बहुत बड़ा एक चरित्र है, क्योंकि जहां पे जाते ये नौटंकी करके आते, काम तो कुछ करते नहीं है, नौटंकी करके देश का जनता को, पश्चिम बंगाल को जनता को कंफ्यूज करते हैं।